गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी कंटिन्यू दिस चैप्टर विद अवर नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज डैट ऑफ अप्लाइड फोर्स, और मैथमेटिकली इट कैन बी स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या कहा था, जो रेट होगा मोमेंटम का, जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा वो उसी रेट से चेंज होगा जिस रेट से उस पर फोर्स अप्लाई हो रही होगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। और हम मैथमेटिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स किसका प्रोडक्ट होता है? मास और एक्सेलरेशन का। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है तो उसका आपको मास पता होगा और एक्सेलरेशन उसकी बॉडी के अंदर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों का अगर आप हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? फोर्स। तो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एक्सेलरेशन इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स स्पीड। एक्सेलरेशन हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किस रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, अगर आप किसी बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करेगा, वो कैलकुलेट करना है आपको, और सेकंड उसका मास। अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मास है और उसका एक्सेलरेशन भी है तो आप उससे इजीली फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट डज एफ एम ए से? एफ इज इक्वल टू एम ए बेसिकली मीन्स डैट द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम इट मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। न्यूटन ने बताया था कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब एम ए हमें क्या सजेस्ट करता है, क्या इससे हम समझते हैं? ठीक है, ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो फोर्स डेवलप होती है, फोर्स जो आती है वो किसकी वजह से आती है? उसके अंदर मास की वजह से और उसके एक्सेलरेशन की वजह से। सपोज़ कीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका डिफरेंट मास है और वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसके अंदर ज़्यादा फोर्स डेवलप होगी इन कंपेरिजन ऑफ लेसर मास। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स और एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मोर विल बी द एक्सेलरेशन, मोर विल बी द फोर्स, मोर विल बी द मास, मोर विल बी द फोर्स। सम एग्जांपल्स आर देयर, समथिंग वेरी मैसिव हाई मास डैट चेंज स्पीड वेरी स्लोली लो एक्सेलरेशन लाइक अ ग्लेशियर कैन स्टिल हैव अ ग्रेट फोर्स। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं उनका बहुत ह्यूज मास होता है, मैसिव बॉडीज होती हैं, उनका मास जो है बहुत लार्ज अमाउंट में होता है और उनके जो मूवमेंट होता है वो बहुत माइनर होता है, लेकिन तब भी वो बहुत हैवी फोर्सेस प्रोड्यूस करते हैं और जो उनका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। इन कंट्रास्ट ऑफ डैट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत कम है और वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करता है तो भी वो इतना फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, समथिंग वेरी स्मॉल लो मास डैट्स चेंजिंग स्पीड वेरी क्विकली हाई एक्सेलरेशन लाइक अ बुलेट कैन स्टिल हैव अ ग्रेट फोर्स। समथिंग वेरी स्मॉल चेंजिंग स्पीड वेरी स्लोली विल हैव अ वेरी वीक फोर्स। अब इस एग्जाम्पल में दिखाया, एक बुलेट होती है जिसका मास बहुत कम होता है, कुछ ग्राम्स में होता है, और उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो स्टिल एक्वायर्स अ ह्यूज फोर्स। जब उसका कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी फोर्स एक्वायर होती है। उसका रीज़न क्या है? जो बुलेट होती है उसका मास तो कम है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो जिस रेट से वो मूव कर रही है उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो बहुत लार्ज होता है। इस वजह से फोर्स भी एक्वायर करने से क्या होती है, उसकी फोर्स जो एक्वायर करती है वो बुलेट, वो भी ज़्यादा होती है। और समथिंग वेरी स्मॉल चेंजिंग स्पीड वेरी स्लोली, अगर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा छोटी है, स्मॉल है, और उसके अंदर जो स्पीड चेंज हो रही है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बहुत छोटा है, तो उसके अंदर कैसा फोर्स डेवलप होगा? वेरी वीक फोर्स डेवलप होगी। नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू
टू एवरी एक्शन। न्यूटन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर एक्शन के इक्वल एंड अपोजिट एक रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर बॉडी द सेकंड बॉडी विल एक्सर्ट ऑन इक्वल फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। अगर कोई बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो सेकंड बॉडी भी उस पर इक्वल अमाउंट की फोर्स लगाएगी, बस डायरेक्शन क्या होगी डिफरेंट। मान लीजिए आप किसी वॉल को पुश कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो वॉल है वो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। ये आप प्रैक्टिकली फील नहीं कर पाते, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे वॉल का मास ज़्यादा होता है इसलिए आप उसे मूव नहीं कर पाते, लेकिन जब आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो आपके जो फुट होते हैं फीट्स होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स आपको रिवर्स में अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। जैसे कि आप किसी भी ब्रिक को या किसी भी चीज़ को हिट करते हैं तो जो आपने फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लगाई वो सेम ऑब्जेक्ट आपके हैंड पर भी वो फोर्स लगाएगा, इसीलिए आपके हैंड में क्या लगती है डैमेज होता है, चोट लगती है। ठीक है, वॉट डज दिस मीन्स? फॉर एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर इज एन इक्वल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। राइट नाउ ग्रेविटी इज पुलिंग डाउन इन योर सीट, बट न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज आवर सीट इज पुशिंग अप अगेंस्ट विद इक्वल फोर्स। दिस इज व्हाई यू आर नॉट मूविंग। देयर इज अ बैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन यू, ग्रेविटी पुलिंग डाउन एंड योर सीट पुशिंग अप। अब आप किसी सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, सबको उन्होंने, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें खींचेगा नीचे की तरफ। अब आपकी सीट आपकी वो उसी फोर्स से ऊपर की तरफ पुश करती है। अब इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं करते है? ऐसा होना चाहिए था ना कि आप सीट से अप हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए फोर्स कैसी होती है, बैलेंस फोर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस की फोर्सेस के बारे में। बैलेंस फोर्सेस वो होती हैं फोर्सेस जिनका अगर हम सम अप करते हैं और जो नेट इफेक्ट आता है वो क्या मिलता है हमें, जीरो। अनबैलेंस फोर्सेस कौन सी होती हैं, जिन फोर्सेस का सम अप करते हैं और जो नेट इफेक्ट आता है वो नॉन जीरो होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स, अब रिवाइज करते हैं पहला टॉपिक से, फर्स्ट लॉ से, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट क्या था न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस और अदरवाइज एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दी थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। सेकेंड लॉ थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एंड इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग था, जिस रेट से मोमेंटम चेंज होगा वो उसी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अप्लाइड फोर्स के, और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होंगी, सेम। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन के अपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द मास, मेजर ऑफ मास। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मास है उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया। मोर विल बी द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। अब वॉट इज इनर्शिया, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में किसी भी आने वाले चेंज को रेजिस्ट करता है। अब इनर्शिया कैसे कैलकुलेट होता है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपली उसका मास मेजर करना होगा। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट मोशन और डायरेक्शन। ठीक है, मोर विल बी द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो आपको उसकी स्टेट चेंज करने में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी। जैसे कि अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और एक लार्ज अमाउंट जिसका वेट ज़्यादा है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर आप उन दोनों को मूव करना स्टार्ट करते हैं रेस्ट से, तो जिस जो ऑब्जेक्ट छोटा है जिसकी मास कम है उसे मूव करने के लिए आपको स्मॉल फोर्स अप्लाई करनी होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट
का मास ज़्यादा है उसमें आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए इनर्शिया क्या होता है, मास मेज़र। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो सिंपली आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, उसका मास। ठीक है, अब फर्स्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो वो अपने मोशन की स्टेट को कंटिन्यू करना चाहता है, और अगर उसमें कोई भी चेंज हो रहा है तो वो उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगी तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा उसे अपोज करने की और वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहेगा। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो चाहता है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे, वो अपनी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू, स्टेट को कंटिन्यू करेगा अनलेस अदरवाइज एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मान लीजिए कोई कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी, और अगर उस पर आप कोई फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे तो वो उसे रजिस्ट करेगी, वो उसे रजिस्ट करेगी। तो हमने पढ़ा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। In our next video, we are going to discuss about momentum, law of conservation of momentum, gun recoil, rocket propulsion, and some other topics in detail. Thank you.